प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नंद कुमार सिंह जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, संगठन महासचिव श्रीमान मेनन जी और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश में तो आना हुआ है और हर बार मध्य प्रदेश ने लाजवाब स्वागत सम्मान भी किया। लेकिन आज राजधानी में आने का मुझे पहली बार अवसर मिला है। मैं देख रहा हूं कि आपका पंडाल छोटा पड़ गया है, जितने लोग हैं उससे ज्यादा बाहर है, जो बाहर है न मैं उनको देख पा रहा हूं, वो न मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन मैं उनके प्यार को अनुभव कर रहा हूं। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं, मध्य प्रदेश की जनता का भी बहुत आभारी हूं, क्योंकि पिछले चुनाव में जो भारी समर्थन मध्य प्रदेश ने दिया और पूरे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो संगठन की दृष्टि से हर प्रदेश मध्य प्रदेश से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता रहा। मैं जब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी से नया नया आया था, संगठन के कार्य के लिए जिम्मेवारी मुझे मिली थी, तो हर बार हम आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे को याद करते थे। मध्य प्रदेश में कुशाभाऊ ठाकरे ने काम कैसे खड़ा किया, एक एक कार्यकर्ता को कैसे उन्होंने सजाया संवारा, ये सारी चीजें हम सुनते थे और सीखते थे। ये मध्य प्रदेश आज जो कुछ भी है, कुशाभाऊ ठाकरे जैसे, राजमाता विजया राजे सिंधिया जैसे, लक्षावधि अनेक अनेक कार्यकर्ताओं ने दो दो तीन तीन पीढ़ी में खपा दी है, अब तब जाकर के वटवृक्ष तैयार हुआ। ये सच्चे अर्थ में कार्यकर्ताओं की पार्टी, मध्य प्रदेश का पूरा नेतृत्व भी कार्यकर्ता की परंपरा से पनपा हुआ नेतृत्व है, उस कसौटी से निकला हुआ नेतृत्व है, और यही हमारी सबसे बड़ी अमानत है, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश संगठन को, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और कुशाभाऊ ठाकरे से जमाने से लेकर के अब तक जो महान परंपरा चली है, जो महान विरासत हमारे पास है, उन सब का गौरवगान करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। राजनीतिक दल की कसौटी चुनाव की जीत और हार के साथ जुड़ जाती है, स्वाभाविक भी है, क्योंकि लोकतंत्र का वही एक मानदंड माना जाता है। और मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिन रात विश्वास बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, और लगातार एक के बाद एक चुनाव जीतते चले जा रहे हैं,
मैं इस विश्वास के लिए मध्य प्रदेश की जनता को नमन करता हूं और हम पर जो भरोसा रखा है, चाहे हम पंचायत में हो या पार्लियामेंट में हो, हम जनता जनार्दन के विश्वास को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में जय और पराजय ये सहज बातें। कभी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दो पार्लियामेंट के मेंबर बचे थे, सिर्फ दो, अटल जी समेत सब लोग चुनाव हार गए थे। और तब के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ाते थे, दो या तीन बस, दो या तीन बस, ये मजाक और सुनना पड़ता था। एक जमाना था जो दल 400 से भी अधिक सीटें लेकर के बैठा था, वो दल अब 40 में सिमट गया। लेकिन हमने 84 में जो पराजय आया, उस पराजय से सीखने का प्रयास किया, हमने अपनी गलतियों पर झोंका, हमारी दिशा सही थी कि नहीं थी उस पर मंथन किया, ऊपर से नीचे तक सबने किया, जनता से भी पूछा, पत्रकारों से पूछा, साल भर मनोमंथन किया, इतना बड़ा घोर पराजय कैसे हुआ। वैसे उस चुनाव को हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी को एक श्रद्धांजलि के रूप में भी देखा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने औरों को दोष नहीं दिया, औरों की आलोचना नहीं की, हमने भीतर झांक करके अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास किया। और आज स्थिति ऐसी है, 30 साल के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार देश को दी। लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल का एक कर्तव्य होता है कि अगर जय मिला है तो जनता जनार्दन के जय के लिए खप जाना होता है, अब पराजय मिला है तो आत्ममंथन करके लोकतंत्र के लिए अपने आप को अधिक सुदृढ़ कैसे करना, उसका प्रयास करना होता है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आज मुझे मध्य प्रदेश की जनता के सामने कहना पड़ रहा है कि संसद का सत्र, जिसका सत्रावसान हमने नहीं किया था, इस आशा में नहीं किया था कि विरोधी दल देश की आशा आकांक्षाओं को समझेंगे। जनता जनार्दन ने जो निर्णय किया है उसको सर आंखों पर चढ़ाएंगे। अगर जनता ने पराजित किया है तो 5 साल तक जिसको विजय मिला है उस विजय का हम आदर और सत्कार करेंगे। लेकिन और बाद में हम आशा करते थे कुछ दिन के बाद जरा माहौल शांत होगा तो संसद चल पड़ेगी, देश के सामान्य मानवी के काम आने वाले जो महत्वपूर्ण निर्णय अटके पड़े हैं वो निर्णय हो जाएंगे। लगातार पिछले दिनों हमारे मंत्रिपरिषद के सीनियर मंत्री विरोधी दलों के साथ बात करते रहे, करीब करीब सभी दल इस बात से सहमत हुए कि संसद भी चलनी चाहिए, निर्णय भी आगे बढ़ने चाहिए। लेकिन एक है कि जो मानता नहीं,
हमारे हम क्या का टकराव रहेगा क्या? मैं सार्वजनिक रूप से जिनका पराजय हुआ है, जनता जनार्दन ने जिनको नकार दिया है, उनको मैं सार्वजनिक रूप से आग्रह करता हूं कि हम लोकतंत्र के गौरव के लिए आज जब विश्व आर्थिक संकट में फंसा पड़ा है, हिंदुस्तान अकेला आज इस संकट में टिका हुआ है, भारत को आगे बढ़ने का एक अभूतपूर्व अवसर मिला है, इस अवसर को हाथ से जाने न देना चाहिए। आइए संसद को आगे बढ़ने दे, निर्णय को आगे बढ़ने दे, लेकिन हमारी बात नहीं मानी जा रही। आखिरकार बड़े भारी मन से, दुखी मन से हमें कल संसद के सत्रावसान की दिशा में आगे बढ़ना पड़ा। हम आशा करते थे कि हो सकता है फिर से संसद बुला पाएंगे, कुछ निर्णय कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने होने नहीं दिया। मैं जानता हूं उनकी परेशानी, एक के बाद एक संसद में जो निर्णय हुए हैं और उसमें भी काले धन के खिलाफ जो कठोर कानून बनाया है, उसके कारण जो हवालाबाज है वो परेशान है। हवालाबाज लोगों को पैरों के नीचे धरती खिसकती नजर आ रही है, उनको संकट मंडरा रहा है, दिखाई दे रहा है, और इसलिए ये हवालाबाजों की जमात लोकतंत्र में रुकावटें पैदा करने का प्रयास कर रही है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं हम लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करते हुए जनता जनार्दन की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रहने देंगे। कोई रुकावट आएगी तो रुकावटों का पार करने का रास्ता खोजते रहेंगे। विकास के लिए हमने अनेक अहम कदम उठाए और यह सरकार ऐसी है, इन जिन योजनाओं की बात करती है उसकी योजनाओं को लागू करने का रोडमैप के साथ आती है। सिर्फ कानून बना देना, उद्घाटन के फीते काट देना, दिए जला देना, वहां पर अटकने वाली ये सरकार नहीं, उसको घर घर तक पहुंचा करके लागू करने के लिए प्रयास करने वाली सरकार। देश के सामान्य से सामान्य व्यक्ति, गरीब से गरीब का भला कैसे हो? हमने पिछले बजट में मुद्रा बैंक की बात कही थी। हमारे देश में जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीबी के साथ साथ जिंदगी गुजारा करने वाले लोग हैं, कोई धोबी है, कोई मोची है, कोई सुतार है, कोई अखबार बेचता है, कोई दूध बेचता है, सामान्य लोग, उनको अपने परिवार में कोई छोटा मोटा काम पड़ जाए तो साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है, कारोबार चलाने के लिए साहूकार से कर्ज लेना पड़ता है, घर में कोई मेहमान आ गया तो भी 50-100 रुपए का कर्ज लेना पड़ता है और भारी ब्याज चुकाना पड़ता है। और ये वो लोग हैं जो आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। हमें मुद्रा बैंक के द्वारा ये तय किया है, ये जो सामान्य लोग हैं, ठेला चलाते हैं, पानीपुरी की लारी लेकर के बैठे हैं, पकोड़े बेचते हैं, छोटे लोग हैं, उनके लिए अलग से बैंक बनाई गई है और इन लोगों को 10,000 रुपया से 50,000 रुपया तक का उनको ऋण मिला गया और वे साहूकार की चुंगालों से बच जाएंगे, ब्याज देने से बच जाएंगे और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए ताकत देगी। और इन लोगों की ताकत है,
कि उनका कारोबार थोड़ा बढ़े तो एकाध एकाध दो लोगों को रोजगार दे देते हैं। रोजगार देने की सबसे बड़ी ताकत इन छोटे छोटे कारोबारियों के हाथ में होती है। उनको ताकत देने का बड़ा काम इन मुद्रा बैंक के द्वारा हमने हाथ में लिया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, लोगों को लगता था कि सिर्फ बैंक के खाते खोलने से क्या होता है, क्या होता है मैं बताता हूं। हमारे देश में बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते रहते हैं कि बहुत बड़ी चीजें होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, धमाका हो ऐसी होनी चाहिए। ऐसा एक वर्ग है हमारे देश में, लेकिन मेरे यहां वो स्वभाव नहीं है। लेकिन जिन चीजों को मैं करता हूं उसका कैसा फर्क पड़ता है मैं बताता हूं। हमारे यहां घरों में जो गैस सिलेंडर देते हैं, हमने उस गैस सिलेंडर को जनधन अकाउंट के साथ जोड़ दिया, आधार के साथ जोड़ दिया। और हमने किया कि जो गैस सिलेंडर की सब्सिडी है वो किसी बिचौलिए के पास नहीं जाएगी, दलालों के पास नहीं जाएगी, ठेकेदारों के पास नहीं जाएगी, सीधे सीधी जिसका गैस सिलेंडर है उसका जनधन अकाउंट पर जमा हो जाएगी। आपको अंदाज है इससे क्या हुआ? पहले जितने लोग गैस सिलेंडर की सब्सिडी लेते थे, जब ये व्यवस्था बनी तो करीब करीब 5 करोड़ संख्या कम हो गई, 5 करोड़ संख्या कम हो गई, कोई लेने वाला मिला ही नहीं। इतने सालों से 5 करोड़ लोगों के नाम पर ये रुपयों के ढेर चले जाते थे, ये हवालाबाजों का खेल चलता था। हमने सीधा डाल दिया, 5 करोड़ लोग मिलते ही नहीं है जिनको हम देना चाहते हैं। और उसके कारण सरकार की तिजोरी में करीब करीब 19,000 करोड़ रुपया हर वर्ष बचेगा। ये 19,000 करोड़ रुपया, ये 19,000 करोड़ चोरी होता था कि नहीं होता था? चोरी होता था कि नहीं होता था? भ्रष्टाचार होता था कि नहीं होता था? हमारे बाजों के जेब में जाता था कि नहीं जाता था? ये हमारे बाज लोग हमारा हिसाब मांग रहे। सुर्खियों में हेडलाइन नहीं, उसके बाद भी काम होता चला जा रहा है और देश में बुराइयां हैं और बुराइयों से सरकारें मुक्त होती चली जा रही है। एक के बाद एक निर्णय हम करते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है, 2 अक्टूबर पूज्य महात्मा गांधी की जन्म जयंती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती एक पूरा सप्ताह एक बहुत बड़ा सफाई अभियान गांव गांव गली गली चला सकते हैं क्या? इस स्वच्छता के अभियान के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय की बात की थी, उन गरीब बस्तियों में जाकर के भी स्वच्छता का संदेश दे सकते हैं क्या? हमारी स्कूल हो, कॉलेज हो, बस स्टेशन हो, अस्पताल हो, रेलवे स्टेशन हो, चारों तरफ गांधी जी को याद करते हुए, दीनदयाल जी को याद करते हुए हम एक सफाई का अभियान चला सकते हैं क्या? मैं आपसे आग्रह करूंगा, आइए मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, न सिर्फ मध्य प्रदेश में लेकिन हिंदुस्तान के और राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बीड़ा उठा ले और स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाएं।
और मैं फिर एक बार आपके स्वागत सम्मान के लिए आपका बहुत आभारी हूं। और मध्य प्रदेश आज विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है, जो देश के अर्थतंत्र को ताकत दे रहा है। आज मध्य प्रदेश देश के अर्थतंत्र को ताकत देता है। कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने जो रिवॉल्यूशन किया है, वो देश के गरीब से गरीब का पेट भरने के लिए काम आ रहा है। मैं मध्य प्रदेश के किसानों का अभिनंदन करता हूं, श्रीमान शिवराज जी का अभिनंदन करता हूं, यहां की सरकार का अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पर भोपाल में आप सुन रहे थे विश्व हिंदी सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जब उन्होंने यहां पे सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बताया कि किस तरीके से गैस सब्सिडी से लेकर जनधन योजना तक जनहित और जन कल्याण के लिए बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार किस तरह से कटिबद्ध है। और यहां पर उन्होंने विपक्षियों पर भी निशाना साधा और बताया कि किस तरह से संसद में कांग्रेस काम करने नहीं देती। तो भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर हमला और यहां पर उपलब्धियां गिनाई मोदी सरकार की। तो खास मौका था जब 32 साल बाद यहां पर विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया है भारत में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और यहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरीके से यहां पर भ्रष्टाचार और हवाला के चंगुल से बाहर निकालते हुए ये सरकार कटिबद्ध है कि सब कुछ सुनियोजित तरीके से देश में चल सके, पूरी व्यवस्था को ठीक किया जा सके, दुरुस्त किया जा सके। और उदाहरण स्वरूप उन्होंने बताया कि किस तरीके से गैस सब्सिडी में सरकार बचत करते हुए यहाँ पे कई जन कल्याण योजनाएं लेकर आ रही है, जिससे में छोटे कारोबारी से लेकर आम जन तक सरकार के इन जनहित में जारी योजनाओं का लोगों तक लाभ पहुंच सके। जनधन योजना के साथ तमाम दूसरी स्कीम्स का भी उल्लेख किया यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसी के साथ उन्होंने एक बार फिर से जनता को ये याद दिलाया कि प्रधानमंत्री की सरकार यहाँ पर अपनी चुनावी वादों पर आगे बढ़ती हुई अपने कर्तव्य के प्रति कटिबद्ध है। और साथ ही में वो ये भी बताना नहीं भूले कि किस तरीके से विपक्ष उनको काम करने नहीं दे रहा संसद के अंदर। तो काले धन से लेकर यहाँ पे तमाम मुद्दों को छेड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बताया कि सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही इस पूरे 1.5 साल में। और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं भोपाल के ही विश्व हिंदी सम्मेलन की, जहां पर मंच पर देखे गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी मनोज शर्मा का। मनोज, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा मौका और प्रधानमंत्री ने बताया कि अब तक उनकी सरकार ने क्या किया। चलिए मनोज से एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें 32 साल बाद यहाँ पे भारत देश में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है भोपाल में। और इस खास मौके पर इस सम्मेलन के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर मौजूद रहे और यहां पे एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी किया। सरकार की इन बीते महीनों में क्या उपलब्धियां रही हैं और किस तरीके से जनहित में जारी जो योजनाएं हैं उनके लिए किस तरह से सरकार आगे बढ़ती रही है, इन तमाम बातों का उल्लेख किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं और आपको बता दें कि भोपाल में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व हिंदी सम्मेलन के खास कार्यक्रम को लेकर। लेकिन इससे पहले हम आपको यहां पे दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं की एक बड़ी जनसभा को यहां पे संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बताया कि किस तरीके से उनकी सरकार ने तमाम उपलब्धियां पाई हैं इस बीते 1.5 साल में। आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी मनोज शर्मा का, जो कि लगातार भोपाल से हमें लाइव अपडेट दे रहे हैं। मनोज, यहां पर एक, चलिए हम रुक करेंगे मनोज का, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की नेता प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। प्रियंका, सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर, जिसमें हवालाबाज से लेके भ्रष्टाचारी से लेके तमाम आरोप आप पर, आपकी पार्टी और आपकी सरकारों पर। देखिए, प्रधानमंत्री की ये हालत हो गई है कि हिंदी भाषा दिवस के दिन उनको और कोई बात हिंदी भाषा के बारे में बात करने का मौका नहीं मिल रहा है। वो ये मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं कि ऑपोजिशन पे अटैक करें।
पिछले डेढ़ साल में ये उनकी जो नाकामियां रही हैं डेढ़ साल में गवर्नेंस की, वो जता रहे हैं। उनका जो फ्रस्ट्रेशन है इस बात का कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कामों को लेकर जो वादे किए थे देश की जनता को लेकर वो नहीं पूरे कर पा रहे हैं, और उनके शब्दों से बहुत स्पष्ट साबित हो रहा है कि उनकी जो नाकामियां हैं वो इन शब्दों का इस्तेमाल कर दिखा रहे हैं। प्रियंका, एक और चीज आपकी जानकारी के लिए कि भोपाल में जरूर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए, लेकिन ये जो संबोधन किया है उन्होंने, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी सभा थी जिसमें ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। दूसरा, प्रधानमंत्री कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाते हैं कि आपने सिर्फ नीतियां बनाई लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी देखा नहीं गया, जबकि प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में हुई जनधन योजना का उल्लेख करते हैं जिसको इम्प्लीमेंट किया गया, गैस सब्सिडी के द्वारा किस तरह से सरकार ने बड़ी बचत की है जो कि अन्यथा ही दी जा रही थी लोगों को, इस बारे में भी वो जिक्र करते हैं जो कि आपकी सरकार नहीं कर पाई। नहीं, बहुत हंसी आती है जब देश के प्रधानमंत्री इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की, जिसको सूझबूझ ना हो वो सिर्फ ऑपोजिशन को अटैक करें। हम प्रधानमंत्री को याद दिला दें, लैंड बिल का यूटर्न है और आपकी असफलता रही है कि इकोनॉमी को किसी तरीके का ग्रोथ दे सकें। सारे इंडिया के जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो परेशान हैं, इंडिया की आम जनता परेशान है, पर उनको और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अपनी जो नाकामियां हैं उसका जायजा, उसका फ्रस्ट्रेशन इन बातों से निकाल रहे हैं। वो कार्यकर्ता के सम्मेलन में करें या हिंदी भाषा दिवस के सम्मेलन में करें, जहां भी करें, उनकी जो भी नाकामियां हैं, उनकी फेलिंग है, उसको दर्शाता है कि ये जो भी शब्द का इस्तेमाल किया है उन्होंने। जी प्रियंका, लेकिन यहाँ पर आप अपनी पार्टी के हाल पर क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से एक समय पर 2 सांसदों वाली बीजेपी का मजाक उड़ाया गया था, लेकिन आज 440 सांसदों पर पहुंची कांग्रेस, तो वहीं पर 30 साल बाद पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर बीजेपी सत्ता पर काबिज। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ ही, उनका शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि यहाँ पर इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर ये बड़ा हमला, आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी मनोज शर्मा का भी। मनोज, चुनावी मौसम है और एक बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर ये बताने में सफल रहे कि अब तक क्या उपलब्धियां रही उनकी सरकार की। बिहार चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रधानमंत्री की तरफ से सीधा हमला बोला गया है, जो लगातार एक के बाद एक कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए थे। उन आरोपों को यहाँ प्रधानमंत्री भोपाल में जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उसके पहले जब स्टेट हैंगर पर पहुंचे तो बड़ी तादाद में, जो हजारों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे, उनके बीच में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि उनके ऊपर वो लोग उनसे हिसाब मांग रहे हैं जो खुद हवाबाज हैं, वो उनको हवाबाज कह रहे हैं। और बार बार एक बात पर जो प्रधानमंत्री का जोर था कि जो विपक्ष है उसमें खासतौर पर जो कांग्रेस ने जान बूझ कर जो संसद नहीं चलने दी, और सिर्फ एक जो शब्द बोला प्रधानमंत्री ने स्ट्रेंथ देकर बोला कि एक है कि मानता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो भोपाल से हम आपको सुना रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि आक्रामक रुख में देखे और यहाँ पे सीधा आक्रमण कांग्रेस के ऊपर।